जीवन में समर्पण का सर्वोपरि महत्व है। चाहे हम कितनी भी सेवा करें, भक्ति करें, ध्यान करें, ज्ञान अर्जन करें, हमारे हृदय में परब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना नहीं रहेगी तो धनी से मिलन नहीं हो सकता। समर्पण में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? अपने अहं की कुर्बानी, अहंकार का त्याग नहीं हो पाता। ध्यान करने वाले को अपने ध्यान का अहंकार होता है, ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार होता है, सेवा करने वाले को अपनी सेवा का अहंकार होता है। यदि हम आंखें खोल करके आधी रात को देखें आकाश की तरफ, असंख्य नक्षत्र जगमगाते हुए दिखते हैं। हमारी पृथ्वी से ये नक्षत्र लाखों गुना बड़े हैं। उस पृथ्वी पर हमारे से करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जो रूप में, विद्या में, बल में, प्रतिष्ठा में, पद में सबसे आगे हैं। और इन असंख्य नक्षत्रों को बनाने वाले उस सर्वशक्तिमान के समक्ष हम अपना समर्पण नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं इसमें अज्ञान बाधक होता है। इस अहंकार से निवृत्ति के लिए खिलवत के प्रारंभिक प्रकरण में दर्शाया गया है कि हमारा अस्तित्व यदि अपने अहंकार को विलीन करने के बाद बचता है तो वही प्रीतम के सानिध्य की सामर्थ्य रखता है। इस संसार की मैं लेकर कोई भी धनी से मिलन नहीं कर सकता। इसलिए कहा है, तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं तो करी बहुत दुष्टाई। अक्षरातीत का गुण क्या है? एक गुण है एकत्व, वहदत। जो हमारे दिल में है वो राज्य को अवश्य मालूम है। हम सोचते हैं कि हम अपनी बात राज्य तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम का सहारा लें, यही तो सबसे बड़ी भूल है। हमने अपने और धनी के बीच में एक रेखा खींच रही है माया की। वो माया क्या है? हीन भावना की, कि राज्य हमारी बात नहीं सुनेंगे, राज्य हमें हमसे प्रेम नहीं करते, राज्य अपनी कृपा नहीं बरसाते। ये सब कुछ हमने अपनी तरफ से बना रखा है। और ये क्यों? ये हमारे जीव का भय बोल रहा है। तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म के अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल संगाई। एक गुण तो मैंने बताया एकत्व, वहदत, जिसके अनुसार अक्षरातीत हमसे एक पल के लिए न कभी अलग थे, न हुए हैं और न कभी हो सकते हैं। हमारे और उनके बीच में कोई दूरी नहीं थी, न है, न कभी होगी। दूरी हमने स्वयं बनाए रखी है। जैसे आप सभी यहाँ बैठे हैं, एक पर्दा कर दिया जाए तो उस पर्दे में आप मुझे नहीं देख सकते, न मैं आपको देख सकता हूँ। ये पर्दा क्या है? राज्य की तरफ से दृष्टि हटाकर माया को देखने लगना। जब तक माया से दृष्टि हटाकर हम परात्म की भावना से स्वयं को नहीं देखेंगे, राज्य को नहीं देखेंगे, राज्य कहाँ से दिखाई देंगे? हमारी दृष्टि ही संसार की है। उसी दृष्टि से राज्य को देखने का प्रयास करते हैं हम। दूसरे को कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी समझते हैं, अपने को भी समझते हैं, अपने को उन विकारों से जोड़ लेते हैं, तो राज्य दिखे कैसे? हम अच्छा से अच्छा चश्मा यदि पहने हों, चश्मे पर धूल भरी हो, चश्मा तो पहने रहेंगे, लेकिन राजी कहाँ से नजर आ जाएंगे? तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, यही तो एकत्व है, मूल संबंध। निस्बत की मार्फत में तो हम सभी एक ही स्वरूप हैं। देखने वाला भी वही, दिखाने वाला भी वही, जिसको देखा जा रहा है वो भी वही है। लेकिन यहाँ खेल में जो देखने का प्रयास कर रहा है, जो परमधाम की ब्रह्मात्मा देखना चाह रही है, सोचती है कि राज्य मुझे कैसे दिख सकते हैं। एक अधिकार तो स्वयं लेना पड़ेगा कि हम उस वहदत के स्वरूप हैं, जिस वहदत की मारिफत में राज्य, श्यामा जी, सखियाँ, पशु पक्षी, खूब खुशहालियाँ, परमधाम का एक एक कण भी उन्हीं का स्वरूप है। लेकिन इसके लिए आत्मविश्वास चाहिए, क्योंकि हम अपने गुनाहों को देखते हैं तो लगता है कि हमसे तो बहुत बड़े पाप हो चुके हैं, हम राज्य को भला कैसे देख पाएंगे। इसी को कहा है,
तुम तुम्हारे गुण न छोड़िए, मैं करी बहुत दुष्टाई। दुष्टाई का अर्थ क्या होता है? आत्मा दुष्ट नहीं होती, जी से दुष्टता के काम होते हैं। दुष्ट किसको कहते हैं? धर्म के विपरीत जो कुछ हो वो दुष्टता का कार्य है। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? हमारे लिए धर्म का पहला कार्य क्या है? हर पल राज्य को याद करना। ये संभव नहीं है माया के संसार में। सोते समय तो याद नहीं कर सकते, भोजन करते समय भूल जाएंगे, पढ़ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, राज्य को भूल जाएंगे। हर पल का अर्थ क्या होता है? सांसारिक कार्यों से जब विमुख होते हैं हम, क्योंकि मन की विशेषता यह होती है कि एक समय में एक ही कार्य हो सकता है, दो कार्य नहीं हो सकते। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के समय ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ते ही जब ध्यान दिल उधर से हटता तो हमारा दिल संसार की तरफ ना जाकर राज्य की तरफ जाना चाहिए। सोने लगे तो राज्य को दिल में याद करके सोएं, सवेरे उठे तो पहला ध्यान हमारा राज्य की तरफ जाना चाहिए, संसार की तरफ नहीं। तो इसको कहा जाता है कि अष्ट पहर भी ना रहे प्रेम का आवेश हो। हम संसार के कार्यों को दृष्टा भाव से करें। जैसे हम व्यवसाय करते हैं, अब दुकानदार से जब कोई सामान खरीदने आएगा तो उसमें राजसमय थोड़े करेगा, तब तो हिसाब ही भूल जाएगा। कंप्यूटर चला रहा है उसमें भी राजसमय नहीं कर सकते। तो वाणी में जो कहा है उसका सूक्ष्म अर्थ लेना चाहिए। जो परम धाम की आत्मा है, महामती के वृत्त में कहा गया है कि एक पल के लिए भी राज्य की शोभा को अपने हृदय से ना निकालें। एक पलक छोड़े नहीं भला चाहे आपको जो, इसका अर्थ क्या होगा? जो अपनी भलाई चाहता है, माया से बचे रहना चाहता है, एक पल के लिए भी राज्य को अपने से अलग ना करें। तो कैसे संभव है? जब हम सोएंगे तो राज्य तो को तो भूले ही रहेंगे, काम करेंगे तो भूले ही रहेंगे। इसका अर्थ ये है कि जब तक हमें होश है हमें हर पल राज्य को दिल में बसाए रखना होगा। यदि हम राज्य को दिल में बसाए रखने का भाव रखेंगे तो क्या होगा? हम संसार के पापों से अलग हो जाएंगे, दुष्ट कर्म हमसे नहीं होंगे। जैसे हम किसी सामान की चोरी कब करेंगे? जब ये लगेगा कि कोई हमको देख नहीं रहा है। हम किसी को कटु वचन कब बोलेंगे? जब सामने वाला हमें बुरा दिख रहा हो। यदि हमें यह लग जाए कि जिसको हम कटु वचन बोलने जा रहे हैं उसके अंदर भी परम धाम की ब्रह्मात्मा है और उस ब्रह्मात्मा के धाम हृदय में राज्य हैं, तो हम कभी भी उसको कटु वचन नहीं बोलेंगे। हम मन वाणी कर्म से किसी का दिल कब दुखाएंगे? जब हम उसको वहदत का अंग नहीं समझेंगे तभी तो उसका दिल दुखाएंगे। हम संसार के रिश्ते से देखेंगे तो ये दुष्ट कर्म हमसे हो जाएंगे। बुरे कर्मों से बचे रहने का एक ही साधन है कि हम हर पल शरीर को ना देखें। जब शरीर को देखेंगे तो संसार नजर आ जाएगा। पूरा शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। शरीर पर जब केंद्रित होंगे, जैसे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे सुंदर साथ में भी जहाँ ज्ञान का प्रकाश नहीं फैला है वहाँ का खान पान अशुद्ध हो चुका है। सुंदर साथ की नई पीढ़ी तामसिक आहार का सेवन करने लगी है, शराब भी पीने लगी है और भी अभक्ष खाने लगी है। क्यों? क्योंकि उनको परम धाम के ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला है। एक छोटी सी इंद्री है तो एक जीवा ने इतना व्याकुल कर दिया कि जिस घर में परम धाम की ब्रह्मवाणी पढ़ी जाती हो उस घर की पीढ़ी यदि अभक्ष पदार्थों का सेवन करती है तो उनको मालूम नहीं है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परम धाम का स्वरूप क्या है या परमात्मा का स्वरूप क्या है। जो उठते बैठते सोते जागते ज्ञान के प्रकाश में युक्त रहेगा वो पाप कर्म क्यों करेगा? दुष्ट कर्म तभी होते हैं जब हृदय से ज्ञान का प्रकाश हट जाता है। अज्ञानता का अंधकार हृदय में आया नहीं तो मनुष्य पाप कर्म किया नहीं। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है मनुष्य सोचता है कि नहीं, मुझे ये कार्य नहीं करना है। बुद्धि किस लिए मिली है? सत्य और असत्य का विवेचन करने के लिए मिली है। बुद्धि परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकती लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाती है। बुद्धि के द्वारा हमें सत्य का बोध होता है। बुद्धि के द्वारा हम धर्म ग्रंथों के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। महामती जी के तन से लीला तो आज से 300 वर्ष पहले पूरी हो गई। आज हम उनकी वाणी को पढ़कर समझ तो रहे हैं
हमें लगता है कि हम भी वैसे ही हैं जैसे कभी बंगला जी दरबार में 5000 सुंदर साथ बैठे होते थे, सागर श्रृंगार की चर्चा सुन रहे होते थे। आज भले ही प्रत्यक्ष रूप से वो लीला सामने नहीं है, लेकिन वाणी की चौपाइयों में जब डूबते हैं तो हमें वो दृश्य याद आ जाता है कि कभी हो सकता है जैसे वो सुंदर साथ परमधाम की वाणी को सुन करके परमधाम के प्रति सावचेत हो रहे होंगे कि हमें जागृत होना है। हमारे हृदय में भी ज़्यादा नहीं, थोड़े पल के लिए तो वो भावना आती है। ये ज्ञान का प्रकाश हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। बुद्धि के द्वारा जीव अपने हृदय में उस ज्ञान के प्रकाश को ग्रहण करता है और संकल्प करता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब प्रेम की धारा बहती है तब वो राज्य की तरफ कदम बढ़ाता है, नहीं तो उसी ज्ञान को कहेगा, सुनेगा, आनंदित हो जाएगा। बड़े बड़े वक्ता क्या करते हैं, ज्ञान को कहना ही सर्वोपरि लक्ष्य मान लेते हैं। ज्ञान की भूमिका है मनुष्य को सावचेत करना और प्रेम का कार्य है जिस लक्ष्य को ज्ञान ने दर्शाया है उसको प्राप्त करा देना। दोनों की विशेषता है। यदि ज्ञान ना हो, सब लोग भाविक हो जाएं तो बैठे बैठे रोते तो रहेंगे लेकिन दूसरों को रास्ता नहीं दिखा सकते, वहीं तक उनका प्रेम सीमित हो जाएगा। इसलिए प्रेम का प्राण है ज्ञान और ज्ञान का प्राण क्या है, प्रेम। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में चोली दामन का साथ है। ज्ञान नहीं होगा तो हमें पता नहीं रहेगा कि हम कौन हैं और हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जब आप तारतम ज्ञान नहीं लिए थे तो संभव है आप अभक्ष पदार्थ खा सकते थे, पत्थर की मूर्तियों के आगे सिर झुका सकते थे, उनको परमात्मा मान सकते थे। अब आपकी निष्ठा किस पर है, एक अक्षरातीत पर। आपने खिलवत पढ़ लिया, ये कलश में विरह के प्रसंग पढ़ लिए, प्रेम का प्रसंग पढ़ लिया, परिक्रमा पढ़ लिया, चाहे कोई करोड़ रुपया दे फिर भी आप राजी नहीं होंगे राज्य के सिवा शालिग्राम को मत्था टेकने के लिए या शिवलिंग को मत्था टेकने के लिए, क्योंकि आपका हृदय गवाही नहीं देगा कि पैसे के लालच में हमें राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना आराध्य बनाना है। ज्ञान ने आपको एक मार्ग दर्शा दिया कि इस पर चलो, अब चलना है प्रेम के द्वारा। बिना प्रेम के आप एक कदम भी नहीं चल सकते। इसके बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला है। प्रश्न यह होता है कि हमारा हृदय निर्मल क्यों नहीं हो जाता। हृदय तो निर्मल उसी क्षण से होना शुरू हो जाता है जिस क्षण से आपने राज्य के चरणों में अपना समर्पण कर दिया होता है। लेकिन हम जरूर ध्यान करते हैं हमारा हृदय राज्य के लिए पूरी तरह समर्पित नहीं होता। देखिए, आग में लोहा डाल दीजिए तो आग की जितनी तीव्रता होगी उतनी तीव्रता के अनुसार लोहा गर्म होगा। आप ऐसी आग में लोहा डाले हैं जो कभी बुझ जा रही है, कभी धुआं उठ रहा है, तो लोहे को गर्म होने में बहुत समय लग जाएगा। कोयले की आग धधक रही हो थोड़ी देर में लोहा गलने लगेगा। इसलिए जितनी देर आप ध्यान में बैठते हैं पूर्ण समर्पण के साथ बैठिए, इस शरीर को भुला दीजिए और अपने अंदर परात्म की भावना कीजिए कि मेरी आत्मा परात्म की स्वरूपा है, ये शरीर तो माया का है। जब इस मायावी शरीर से आपकी दृष्टि हट जाएगी, इसका चिंतन हट जाएगा, तभी पूर्ण समर्पण होगा। और पूर्ण समर्पण में आप अपनी परात्म की भावना से जब राज्य को याद करेंगे तो आपके जीव के विकार तभी से हटना शुरू हो जाते हैं। आपने थोड़ी देर ध्यान किया, 24 घंटे तो माया में रहना होता है, माया के काम करने होते हैं, शुरू शुरू में मन के विकार हावी रहेंगे लेकिन धीरे धीरे अंतरात्मा से आवाज़ आती जाएगी, नहीं ये गलत है, ये गलत है। यदि आपने ध्यान नहीं किया तो ये आवाज़ नहीं आएगी, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। आप केवल कर्मकांड कर लेते हैं, 5 बार तारतम का पाठ कर लिया, चरणामृत प्रसाद ले लिया, जोर जोर से आरती में नाच कूद लिया, तो संसार की नज़र में तो आप बहुत बड़े भक्त सिद्ध हो जाएंगे लेकिन आपके हृदय में समर्पण तो नहीं आया, आपने स्वयं को परात्म की भावना से अपने को भावित तो नहीं किया, आपने राज्य के नख से सिख तक की शोभा को देखने का प्रयास नहीं किया। दिल में थोड़ा सा भाव था और उस भाव के अनुसार आपने सबको दर्शा दिया, देखिए मैं जोर जोर से आरती गाता हूँ, राज्य को रिझाने के लिए नाचता हूँ। एक
माया का विकार थोड़ा सा दूर हुआ, आपने अहंकार का पहाड़ खड़ा कर लिया। ऐसी स्थिति में हृदय पूरी तरह से निर्मल नहीं हो सकता। मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल संगाई। हमारे जीव को देखा जाए तो हमारे जीव से बहुत बुरे बुरे कर्म हो जाते हैं। तारतम वाणी का प्रकाश पाने के बाद तो हम डरते हैं कि नहीं, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे जीव ने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए होंगे। सुंदर सा से भूल यह हो जा रही है कि दूसरे पंथों के लोग तो ज़्यादा डरते हैं, हम नहीं डरते, सोचते हैं कि परमधाम तो हमें जाना ही है और हम परमधाम की आत्मा है, हमारे ऊपर कर्मों का बंधन नहीं लगता। आत्मा पर तो बिल्कुल नहीं लगेगा, जीव पर तो लगेगा ही। आप जाकर किसी को चांटा मार दीजिए और कहेंगे कि हम परमधाम की आत्मा है, हमारे विरुद्ध में थाने में केस नहीं लिखा जाएगा, तो इस देश का संविधान थोड़े मानेगा कि आप परमधाम की आत्मा है, आप किसी को चांटा मारे और आपके विरुद्ध केस न लिखा जाए। आप खूब मिठाइयाँ छिप छिप कर खाएं और चाहो कि हमें डायबिटीज न हो, ये तो नहीं होगा। आप पढ़ो नहीं और सोचो कि परमधाम की आत्मा है, परीक्षा में मेरिट लिस्ट में आ जाए, ये संभव नहीं है। यहाँ के विधान यहाँ चलेंगे, आपके जीव को उन विधानों का पालन करना पड़ेगा। जो आपकी आत्मा है वो परमधाम की है और परमधाम की आत्मा पर माया का कोई विकार हावी नहीं होता, लेकिन परमधाम की आत्मा को चितवनी में पर आत्म की भावना लेना पड़ेगा। और जब परात्म की भावना में आप डूब गए तो काम क्रोध मद लोभ के विकार आपको क्यों सताएंगे? लोभ आपको तब होगा जब आप शरीर भाव से देखेंगे। आपको हीरो की तिजोरी के एक मकान में रख दिया जाए तो आप चोरी करेंगे कब? जब आपको शरीर दिखेगा तब ना। कि मुझे इस शरीर को सुंदर बनाना है तो एक हीरे का हार चुरा लेते हैं तो हमारा शरीर सुंदर दिखेगा। यदि आपने परम धाम की आत्मा का भाव ले लिया तो आपको हीरे के मोतियों के हार क्यों लोभ में डालेंगे? परम धाम की आत्माओं की तो बात छोड़िए, एक बार मीराबाई आती है, उनके गुरु थे रविदास जी बनारसी में, देख रही है कि मेरे गुरुदेव झोपड़ी में बैठे हैं और जूते बना रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं। कहा कि ये तो मेरे लिए बहुत बदनामी की बात है, मैं राजघराने की और मेरे गुरुदेव झोपड़ी में रहते हैं। मीरा ने अपना नौलखा हार उतारा और गुरुदेव के चरणों में रख दिया। कहा कि गुरुदेव आप इतनी झोपड़ी में रहते हैं, पसीने से लथपथ हैं, अपने रहने के लिए एक बढ़िया बना लीजिए। रविदास ने मना किया कि अरे मीरा मुझे ये सब नहीं चाहिए। कहे कि नहीं गुरुदेव आपको तो ये रखना ही पड़ेगा। मीरा चले गई, रविदास जी ने उस हार को एक जगह एकांत स्थान में खूंटी में टांग दिया। एक वर्ष के बाद मीरा पुनः आती है, देखती है कि गुरुदेव ने तो कोई निवास बनाया नहीं, जैसा कहे तैसा है। कहने लगी गुरुदेव आपने निवास बनाया नहीं, वो हीरे का हार क्या हो गया? मीरा को लगा कि चोरी हो गया होगा। रविदास कहते कि देखो मीरा उस कोने में टंगा हुआ है। मीरा सन्न रह गई। उस हार को उन्होंने ऐसे ही टांग रखा था जैसे उसकी कोई कीमत ही ना हो। मीरा की नज़र में वो हीरे मोतियों का जड़ा हुआ नौलखा हार था, लेकिन एक योगी महात्मा की दृष्टि में वो क्या था? कंकड़ पत्थर ही थे। यदि रविदास को इतना मोह नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सोचा कि परमात्मा को पाना है तो इन चीज़ों से दूर रहना होगा, मोह आसक्ति से दूर रखना होगा। हम सुंदर साथ अपने को परम धाम की भावना में नहीं डुबो पाते, इसलिए तो काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, मोह सताता है, अहंकार सताता है। मंदिरों में झगड़े, आश्रमों में झगड़े, सुंदर साथ के अंदर आपस में झगड़े, कहीं भी मेल नहीं मिलाप नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी अपने को शरीर से देख रहे हैं, संसार से देख रहे हैं। शरीर और संसार की दृष्टि जब तक बनी रहेगी, माया का विकार आपके पीछे पीछे घूमता रहेगा। तुम तुम्हारे गुण न छोड़े, मैं करी बहुत दुष्टाई, मैं तो कर्म की अति नीचे, पर तुम ही राख्या मूल संगाई। ये बात कब कही जा रही है? यह है समर्पण की भूमिका। एक आत्मा अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है राज्य के चरणों में, तो कहती है कि मैं तो कर्म किए अति नीचे, पर तुम ही राखी मूल संगाई। आप देखिए, आप घर के बहुत लाडले हैं, लेकिन आप पड़ोस में कहीं चोरी करके चले जाइए और पड़ोस वाला शिकायत करके आ जाए, तो देखिए
आपके घर में डंडे आपकी पीठ पर बजने शुरू हो जाएंगे। आप घर की बहू हैं, किसी गलत विचारधारा वाले व्यक्ति से घनिष्ठता कर लीजिए तो आपका पति आपको छोड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगा, कोई रिश्ता नहीं रखता। ये बहुत ही कठोर दुनिया है। जो अपने कहलाते हैं वो भी दुत्कारने में जरा देर नहीं लगाते, लेकिन एक राज्य है, वे हमारे पापों को नहीं देखते। हमारे तन से न जाने कितने पाप हो जाते हैं, आप सोचिए। महाभारत में प्रसंग में वर्णित आता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के मार्ग पर चल पड़े, द्रौपदी गिर जाती है, आवाज़ देती है धर्मराज मेरी तरफ तो देखिए, धर्मराज नहीं देखते हैं। भीम गिर जाते हैं, प्राण छूट जाते हैं, गिरते समय कहते हैं कि धर्मराज मेरी तरफ तो देखिए, नहीं देखते हैं। अर्जुन भी गिर जाते हैं, नकुल सहदेव सब एक एक करके शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन धर्मराज किसी की तरफ देखते नहीं, वो सीधे बढ़ते हुए चले जाते हैं। मनुष्य संसार में पैदा होता है अकेले, जाता है अकेले, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां एक साथ आई हैं और एक साथ जाना है। इस संसार का हर रिश्ता स्वार्थ पर टिका होता है, परिवार का रिश्ता, समाज का रिश्ता, संगी संबंधियों का रिश्ता। उन रिश्तों में संसार के नियमों का जरा सा अवरोध होता है तो हर कोई किनारे कर लेता है, हमें तुमसे मतलब नहीं, तुमने हमारे घर की इज्जत को तार तार किया है, घर से निकल जाओ, कोई भी देर नहीं लगाएगा। लेकिन उस दया के सागर को देखिए, ऐसा नहीं कि उनसे कुछ भी छिपाओ। हम सोचते हैं कि राज्य मंदिर में देख थोड़े रहे हैं, यही तो हमारी भूल है। राज्य मंदिर में नहीं है, हक नजीक शहर से। आप जो सोचते हैं वो राज्य को पहले मालूम है। यदि यही बात सबको मालूम हो जाए कि राज्य हर पल हमारे साथ हैं तो कोई भी पाप क्यों करेगा। हमारे सब कार्यों को जानते हैं फिर भी हमको छोड़ नहीं रहे हैं, क्यों? मूल संबंध के कारण। इसीलिए हार कर इंद्रावती जी ने कहा, जानो तो राजी रखो, जानो तो दिल गिर, या पाक करो हाथीपना, या बैठाओ माहे तकसीर। आप मुझे आनंदित रखिए या संसार में दुख दिखाइए, मेरे जीव को दुख भोगना होगा, भोगेगा। या पाक करो हाथीपना, मुझे अपने वीरा प्रेम में डुबो कर अपना स्वरूप बना लो, हादी बना लो, सब सुंदर साथ का मार्गदर्शक बना लो। या बैठाओ मैं तकसीर, या हमें गुनहगारों के अपराधियों की पंक्ति में खड़ी कर दो कि हमने आपको अपने हृदय से भुलाए रखा। ये कब मुख से निकलेगा? जब हमारा सब कुछ राज्य के लिए समर्पित हो जाएगा। तो समर्पण का अर्थ ये नहीं होता है हम मुँह से केवल कहते रहें। समर्पण का तात्पर्य राज्य पर अटूट विश्वास। सुख मिला है तो हम सबसे ना कहते फिरें, देखो राज्य की कितनी मेहर है, हमको ये मिला है, ये मिला है। दुख मिला है तो रोते रहें, राज्य ने हमको कुछ नहीं दिया, राज्य ने ये नहीं दिया, राज्य ने ये नहीं दिया। ऐसा नहीं, दुख भी दिया है तो वही भाव रहे, सुख मिला है तो ऐसे ही भाव रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं किस समय क्या करना है, सुख देना है या दुख देना है। उनकी हर लीला में आनंद हो। आप देखिए, राम बन जाते हैं, सीता ने कभी फरमाइश की कि नहीं राम मर्यादा पुरुषोत्तम आपको यहाँ चलना है? सीता ने सब कुछ राम के ऊपर सौंप दिया है, जहाँ राम जाएंगे सीता वहाँ जाएगी। एक संसार की धर्मपत्नी को ये समझ तो आता है कि हमें करना क्या चाहिए, लेकिन परमधाम की ब्रह्मात्माओं को ये बात समझ में नहीं आती कि राज्य के प्रति हम समर्पण की भावना कैसे रखें। जरा सा कष्ट हुआ तो हम क्या करते हैं, सबको मालूम है, कुनैन की एक ही टिकिया, यानी वही मेहर सागर का पाठ। दुकान नहीं चल रही है, मेहर सागर का पाठ। तबीयत खराब हो, मेहर सागर का पाठ। नौकरी नहीं लग रही है, मेहर सागर का पाठ। बच्चा नहीं हो रहा है, पोता नहीं हो रहा है, मेहर सागर का पाठ। हम राज्य से तो यही मांगते हैं ना। राज्य से राज्य के हृदय का प्रेम कौन मांगता है, क्योंकि अभी हमारा समर्पण नहीं हुआ। राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास, पूर्ण प्रेम जब हो जाएगा तो हर पल हमें लगेगा कि वह हमारे साथ हैं। क्योंकि जो वहदत का स्वरूप होता है, वहदत की मारिफत का स्वरूप होए,
उससे हमारे हृदय की कोई भी बात छिपी नहीं रहती। यदि उसने हमें दुख दिखाया है तो उसमें भी कुछ उसके सुख की लज्जत है। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। हम दुखों से बचना चाहते हैं, दुखों से बचने के लिए राज्य के मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भोग चढ़ाते हैं, पुजारी जी से सिफारिश करवाते हैं कि पुजारी जी राज्य मेरी सीधे बात नहीं सुन रहे हैं, आप सेवा में रहते हैं, आप राज्य के हजूरी हैं, आप कह देंगे तो राज्य तुरंत बात मान लेंगे। और राज्य हंसते हैं कि इनको मैंने सागर श्रृंगार दे दिया फिर भी ये सिफारिश करवा रहे हैं, क्योंकि वहदत के मारिफत को किसी ने समझा नहीं, अपना हृदय किसी ने दिया नहीं, और इसलिए इस संसार में सिफारिश की प्रक्रिया चल पड़ी है। अपना हृदय आप खोल दीजिए राज्य के लिए, फिर देखिए सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं। सिफारिश तो देवी देवताओं के यहाँ चल भी जाए, ऋषि मुनि होते थे उनके पास जाकर गृहस्थी सिफारिश करते थे, वो आशीर्वाद देते थे, हो जाता था। आप भी सर्वशक्तिमान से प्रेम मांगिए, आप कहिए रात को सोते समय कि राज्य हमारा हृदय आपके प्रति समर्पित हो, हमारे हृदय में आपका प्रेम बसे, हमारे हृदय से माया के विकारों को निकाल दीजिए, हमारे हृदय में आप अपनी शोभा दर्शा दीजिए। तो एक कुएं से रस्सी जब खींची जाती है तो उसकी रगड़ से कुएं की जो मुंडेर है वो भी खींच जाती है। सर्वशक्तिमान जो अक्षरातीत है, दया सिंध सुख सागर है, दया का भंडार है, अनंत सागर, इश्क गंज अपार, प्रेम का अनंत भंडार है, अनंत राशि है वो, वहाँ सिफारिश की आवश्यकता ही नहीं है। आप हृदय में इच्छा करेंगे वो तुरंत पूरी हो जाएगी, इच्छा करने से पहले वो पूरी करने वाला है। वो तो केवल एक शर्त रखता है कि तुम अपने हृदय में समर्पण की भावना लाओ, प्रेम की भावना लाओ, विरह में डूबो। और हमसे वही नहीं हो पा रहा है, हम दुनिया वालों की तरह मेहर सागर के गोटे पधरा करके बैठ जाते हैं, मन्नत मांगना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि मत मांगिए, मंदिर में जाकर नारियल चढ़ा देते हैं। अरे नारियल क्यों चढ़ाते हो, अपना हृदय तो चढ़ाओ। नारियल 20 रुपये में मिलता है, बहुत सस्ता है। हृदय तो हमने किसी और को दे रखा है, पत्नियों ने पति को दे रखा है, पतियों ने पत्नी को दे रखा है, बहनों ने सहेलियों को दे रखा है, और भाइयों ने दोस्तों को दे रखा है, कोई राज्य को नहीं देता। राज्य तो एक व्यवसायी की तरह नज़र आते हैं कि 100 रुपये की मिठाई का पैकेट चढ़ा दो और 1 लाख की लॉटरी निकल जाए, 10 लाख की लॉटरी निकल जाए, ये व्यापार है, प्रेम नहीं है। राज्य के मार्ग पर प्रेम की आवश्यकता है, उस प्रेम पर कदम रखिए। आप एक कदम रखोगे तो राज्य 1000 कदम आपकी तरफ आएंगे, और उनको आने की जरूरत नहीं है, आपके हृदय में ही बैठे हैं, किसी मंदिर में नहीं बैठे हैं, किसी स्थान में नहीं बैठे हैं, ये भ्रम है। राज्य जब मिलेंगे आपको अपने हृदय मंदिर में मिलेंगे। हक नजीक सेहरक से औड़ो पटना द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। हम देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, हम सारी वाणी पढ़ जाते हैं, हक नजीक सेहरक से, हक नजीक सेहरक से, फिर भी हम क्या करते हैं, परिक्रमा। पहले मैं जब नया नया था सब लोग परिक्रमा करते थे, मैं सोचता था कि मेरे तो पैर ही दुख जाएंगे, मेरे से तो होती नहीं। सबकी देखा देखी डर के मारे मुझे भी शरीयत की लाइन में लगना ही पड़ता था कि भाई नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा, किसी आश्रम में हैं सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं और आप ना करो तो क्या परिणाम क्या होगा, बिस्तर बांधिए। लेकिन प्रश्न यह है परिक्रमा का अर्थ क्या होता है, अपना हृदय आराध्य के प्रति समर्पित कर देना, अपना हृदय दे दीजिए। यदि आपने अपना हृदय राज्य को दे दिया, जिस हाल में रख रहे हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक ही वाक्य निकालिए, जो आपने किया ठीक किया। तभी तो कहा जा रहा है जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगिर। मुझे दुख हो रहा है या सुख हो रहा है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, इसमें भी आपकी रजा है। आपने दुखों का पहाड़ दे दिया तो भी मुझे हंसना है, आपने सुख दे दिया तो ये सुख मुझे मोहित नहीं कर सकता, मेरी आत्मा आपके प्रेम में डूबी रहेगी। आप मुझे शोभा दे दो, सबका हादी बना दो, तो भी मुझे कोई अहंकार नहीं।
और सब सुंदर साथ मुझे पतित की दृष्टि देखते हैं तो भी मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि मैंने तो अपनी उंगली आपके हाथ में पकड़ा रखी है। यह है समर्पण। और जब ऐसी भावना आ जाएगी तो राजी आपके पीछे पीछे चलेंगे। इंद्रावती जी कहती हैं कि राजी अच्छी तरह से जानते हो, जहाँ मैं बुलाऊंगी वहीं आपको आना पड़ेगा, जैसे मैं नाचने को कहूँगी आपको नाचना पड़ेगा। ये कब होगा? जब हमारे हृदय में वैसा अटूट विश्वास हो, अटूट प्रेम हो, अटूट समर्पण हो, अटूट श्रद्धा हो। इसलिए राज्य पर दोष देने की अपेक्षा हमें अपने आंतरिक विकास की तरफ ध्यान देना होगा। बाहर की भक्ति छोड़कर कि लोग हमें बहुत अच्छा कहें, सब सुंदर साथ में मेरे ध्यान का डंका बज जाए कि हम इतना ध्यान करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इन चीज़ों से पीछे हटिए। दिखावा कुछ नहीं, जो कुछ कीजिए छिपा कर कीजिए, अपनी महिमा मत फैलाइए कि हम बहुत ध्यान करते हैं, हम बहुत सेवा करते हैं, हम बहुत ये करते हैं। ये तो अहं की ग्रंथि बन रही है। सारे अहंकार को हटाकर अपना सर्वस्व समर्पण कर दीजिए, बस तू ही है, जैसा तू रखे हमें उसी में खुशी है। हम भूखों रहेंगे, नंगे रहेंगे, हमारे होठों पर कभी गिला शिकवा नहीं रहेगा। हम केवल तेरा दीदार चाहते रहेंगे, तेरा प्रेम चाहते रहेंगे और तेरी मधुर छवि को अपने हृदय में देखना चाहेंगे। बस देखिए, आप कुछ दिन रात को सोते समय इस तरह के भावों से संकल्प कीजिए, राज्य तो आपके पास पल पल रहेंगे। आप संसार में रहते हुए भी माया को कोसों दूर बनाए रखेंगे। तभी तो इंद्रावती जी कहती हैं कि करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत्य सत हो धनी मेरे एति है तफावत। देखा जाए तो मेरी करनी में और आपकी करनी में तो 36 का आंकड़ा है। आप जागृत हो, मैं नींद में हूँ। आप नूरी स्वरूप से परम धाम में विराजमान हो, आवेश स्वरूप से महामती जी के धाम हृदय में विराजमान हो, मूल संबंध से हमारे धाम हृदय में भी विराजमान हो, लेकिन हमारे और आपके बीच में एक माया का पर्दा पड़ा है कि हमारे धाम हृदय में बैठे हैं, हमारी नज़र आपको देख नहीं पा रही है। देखती न देखे भरता, देखते हुए भी देख नहीं पा रहे हैं, आपकी पहचान नहीं हो पा रही है। इसलिए जैसे झूठ और सत्य में जो संबंध होता है, इस संसार में आने के बाद हमारी आत्मा जिस जीव पर बैठे है उस जीव से इतने गुनाह हो जा रहे हैं कि हम झूठे झूठ बन जा रहे हैं, और आप तो अनादिकाल से सत्य थे, सत्य हैं और सत्य ही रहेंगे। हमारी आत्मा भी आपकी अंग रूपा होने से सत्य है, सत्य थी और सत्य ही रहेगी, लेकिन जिस जीव पर बैठी है, जीव तो माया का है, उससे गुनाह होंगे, इसलिए आत्मा पर भी ये गुनाह लग जा रहे हैं। आप हमारे ऊपर कृपा की ऐसी वर्षा कीजिए कि कभी भी हमारी आत्मा गुनाह के मार्ग पर न चले, ताकि परम धाम में उठने के बाद हमें सिर नीचा करना पड़े। और इस संसार में भी यदि हम वाणी का प्रकाश ले चुके हैं तो हमें ये सोचना होगा कि हमें तो ज्ञान दृष्टि से जागृत कर दिया गया है, और जागृत होने के पश्चात किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम को तो किसी ने बताया ही नहीं। ब्रज में थे, आवेश लीला चल रही थी, लेकिन किसको पता था, सब नींद में थे। रास में आधी जागृति हुई, जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य ज्ञान से जागृत होने के पश्चात क्षमा शब्द नहीं है, क्योंकि इसको जागने का ब्रह्मांड कहा गया है। मूल संबंध का पता दे दिया गया, परम धाम के चप्पे चप्पे का ज्ञान दे दिया गया। सारा ज्ञान देने के बाद भी यदि हम माया की तरफ दृष्टि करते हैं तो इसके लिए हमारा जीव दोषी है। हम यदि 24 घंटे में 12 घंटे 14 घंटे धन कमाने में खर्च करते हैं, 6-6 घंटे संसार के रिश्तों के लिए खर्च करते हैं, बातें करने में कई घंटे लगा देते हैं, तो अपनी आत्मा के धाम हृदय में प्रीतम की छवि को बसाने के लिए हमें 2 घंटे तो कम से कम देना पड़ेगा। लेकिन हमारा समाज ऐसी अंधेरी दिशा में चल पड़ा है कि जिधर देखिए कर्मकांड कर्मकांड कहीं बोलबाला है। सच्चे हृदय से बहुत कम सुंदर साथ हैं जो अपनी आत्मा को उस प्रीतम की छवि को देखने में लगा रहे हैं, अपनी अंतर्दृष्टि को परम धाम की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तक समाज में वाणी के ज्ञान का प्रकाश नहीं फैलेगा, चितवने की लहर नहीं दौड़ेगी, तब तक किसी की भी जागृति होना संभव नहीं है। सदगुरु धनी सिद्धदेव चंद जी के साथ भी सुंदर साथ थे, 300 आत्माओं को उन्होंने तारतम दिया, उनके नाम भी बता दिए, लेकिन सब सो गए क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं था।
इसलिए श्री जी के स्वरूप में जब जागनी शुरू होती है तो प्रारंभ से ही चितवनी करानी शुरू कर दी गई। वाणी का अवतरण शुरू हो चुका है, धीरे धीरे वाणी उतर रही है, हफ्से में राज प्रकाश खटुती उतर रही है, बिहारी जी गादी पर बैठे हैं, लेकिन चितवनी तभी से चालू कर दी गई। आज सारी वाणी के अवतरित होने के बाद भी चितवनी बंद, चारों तरफ जैसे प्रवाही लोग कर्मकांड करते हैं, माला का जप, परिक्रमा, पूजा, भोग, वही सारा कुछ हमने तो प्रवाहियों से सीख लिया है। चितवनी नदारद, वाणी की चर्चा नदारद, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं करोड़ों के, चर्चा नाम मात्र को होती है, इसे आत्मा के अंदर जागृति का प्रकाश कैसे आएगा। जैसा कि जागने के बारे में हमें ये ध्यान में रखना होगा, एक कहावत कही जाती है कि जैसा बाजा बजे वैसा नृत्य करना चाहिए, समय के अनुकूल सबको अपने नियम बनाने चाहिए। हम रूढ़िवादिता को ही सर्वोपरि स्थान दे देंगे, चितवनी से अपने को दूर कर लेंगे तो हमें दीवा स्वप्न ही समझना चाहिए कि हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। और आज सारा संसार, यहाँ तक कि चाइना जैसे नास्तिक देश में भी ध्यान लोग कर रहे हैं, अमेरिका में कितने कार्यालयों में आप चले जाइए वहाँ ध्यान के कक्ष बने हुए हैं, लेकिन हमारे पूरे समाज में कहीं भी ध्यान कक्ष कहाँ दिखाई देते हैं। चितवनी का तो नाम निशान ही जैसे कि मिट गया हो, वही मालाएं, वही तिलक, वही ढोल की थाप, वही नाचना, वही कूदना, जैसे कि प्रवाही किया करते हैं हम भी वैसे करते हैं। अपनी आत्मा को राज्य के चरणों में सौंपिए, युगल स्वरूप की छवि को बसाइए, भले ही मन भटकता है तो भटकने दीजिए, एक दिन यही मन बत जाएगा, राज्य के विरह की ऐसी अग्नि उठेगी कि इस मन के विकारों को जलाकर राख कर देगी, और ये मन निर्मल होकर राज्य के प्रेम में डूब जाएगा, तब आपके जीव को भी राज्य के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे और आत्मा को भी। प्रणाम जी।